And welcome to our masterclass on opportunities to learn from family business by Professor Samish Dalal. So, Professor Samish Dalal specializes in in the field of negotiation, entrepreneurship, and marketing. He has taught to more than 5,000 students of family business and has a touch base with more than 800 Indian family businesses. He has done his MBA from University of Queensland, and he has also studied at Harvard Business School.

दीपल मैन के स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं कि फैमिली के पिक्चर्स क्यों रखते हैं लोग ओके इन द चैट बॉक्स कैन समबडी आंसर दिस क्वेश्चन व्हाई डू पीपल हैव फ्रेम्स फ्रेम्स ऑफ फोटो फैमिली फैमिली मेंबर्स इन इन देयर देयर लिविंग रूम इन देयर ड्राइंग रूम इन देयर मोबाइल फोन्स इन देयर लैपटॉप्स व्हाई डू थिंक पीपल कलेक्ट द फोटोग्राफ्स ऑफ फैमिली मेंबर्स चैट बॉक्स गाइस टाइप इट आउट व्हाई डू पीपल कलेक्ट दोस फोटोज क्या रखने का इरादा होगा कम ऑन गाइस Just tell me, anybody who can type out a right answer or a right way of looking at the answer. Come on, guys, I'm looking for an answer. Good morning, guys, everyone, and welcome to this wonderful session. On we are going to talk about the opportunities of learning from family business. And I've started with the first question. The question is that why do we keep the photographs of family members in frame, in living room, drawing room, maybe on a laptop, mobile phones, etc., etc., etc.? Fantastic response, Manas, to keep the memories. All right. Anybody else? Anybody else? Anybody else? To uplift our mood, Karan Goya. that's a brilliant answer. Uplift our mood. That's a nice thing. I'm going to come up with a very, very different uh, way of looking at the whole thing. It's going to be very interesting. Very interesting. Anybody else? Anybody else?

So you just keep typing the answers. I'm waiting for some more response to come in. Till then I'll continue. शाम को लगभग साढ़े चार पांच बजे सब बुढ़े बुढ़े लोग इकट्ठा होते हैं ऑल एल्डरली पीपल मे बी रिटायर्ड एक्सेट्रा 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 और फिर ये फोटोग्राफर वहां पे जाता है कैजुअली सबके और को भी ऐसा बोलता है, अरे अंकल जी थोड़ा ऐसा हंसते ना, हंसते नाम रवि है रवि यार एक बात बता तू तो ये जो फोटो ले रहा है उनसे तू तो चार्ज नहीं ले रहा है क्यों ऐसा कर रहा है बोले समीज भाई चिंता करने की कोई बात ही नहीं मेरे को चार्ज लेना ही नहीं है इनसे

That are we capitalizing on our most important resource and that is our own family. That is our own family. तो so guys एक बात याद रखो आज से अब से हमेशा के लिए कि चाहे कितनी भी आप ऊंचा ऊंची उड़ान भर दे कितनी भी ऊंची उड़ान भर दे there इज वन थिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज लुक अप टू कि भाई मैं जो कुछ भी हूं जहां पे भी हूँ और जैसे भी हूं इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ my फैमिली

वर्ड्स मैंने नॉर्मली वेबिनार पे दीपल मैडम जानती है वो हस्ती भी है बोलते हैं सर सब लोग सुनाई नहीं देता है क्या? मैं नहीं पर, तो तीन बार बोलना जरूरी है तो पैशन प्लस ह्यूमिलिटी पैशन प्लस ह्यूमिलिटी पैशन प्लस यूमिलिटी मेक्स ग्रेट पीपल ग्रेट मतलब आज तुम इतने ऊंचे पहुंच जाते हो बाद में भी जुग के किसी के पैर छू सकते हो यूमिलिटी तुमको कोई भी बंदा लाइफ में हिला नहीं सकेगा मतलब इमेजिन आप कहीं पे भी बोलने के लिए जाते हो तो आपके लिए रेड कार्पेट वेलकम होता है वहां पे चार लोग हार तोरण लेके बैठे होते हैं बड़ी दाम धाम से आपकी वेलकम होती है आप दूसरे कोई इवेंट में जाते हो वहां पे आपको कोई नहीं पूछता है तो उस वक्त भी सेम टेम्पो मेंटेन करना इज ह्यूमिलिटी बहुत डिफिकल्ट गाइज बहुत डिफिकल्ट नी टाइम्स ऑफ गॉन टू ओकेजन जहां पर मैं बोलने के लिए जाता हूं तो मेरे लिए बड़ा अच्छा सा वेलकम होता है ये होता है वो होता है एंड सम अदर प्लेस आई गो आई एम सिंपलीटर एंड आई एंजॉय को बोलता है नहीं, समीश भाई, आप आगे जाओ नहीं भाई नहीं ये इनका इवेंट है इनको आगे जाने दो आई एम वेरी हैप्पी स्टैंडिंग इट दैक एंड आईम वेरी वेरी हैप्पी ये बहुत सारा एक वैल्यू सिस्टम सिखाता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है तो उसको फोटो रखना एक बात है और उससे इंस्पायर होना दूसरी बात है उससे इंस्पायर होना दूसरी बात है इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूं मैंने एक कॉमन डिनोमिनेटर देखा है आई रिपीट मैंने एक कॉमन डिनोमिनेटर देखा है आई रिपीट मैंने एक कॉमन डिनोमिनेटर देखा है जैन गुजराती मारवाड़ी कम्युनिटी में इवन पंजाबी कम्युनिटी में मैंने देखा है कि दे नॉर्मली बो डाउन टू दी एल्डर्स मीट मान लो को एक लड़का है और एक दूसरे फादर को मिल रहा है तो जैसे उसको देखेगा अरे खन्ना अंकल ऐसा करके पैर जाएगा आई मीन फॉर ऑफ फैक्ट अरे खन्ना अंकल पैर चला गया एंड दैट नॉर्मल एंड नेचुरल रिस्पेक्ट जो आता है ना गाइस इट्स एन अमेजिंग वे ऑफ भी फैमिलीज में ये वैल्यू टिका हुआ है ये स्पिरिट टिका हुआ है एंड गाइस ट्रस्ट मी दिस इज दी फाउंडेशन एलिमेंटल स्पिरिट इन फैमिली कारण बताता हूं क्या होता है नॉर्मली हम लोग बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो छोटे से स्टार्ट करते हैं आप लोग ऐसी कहानी अपने पप्पा लोगों से एक ने हजार बार सुन चुके होंगे या अलग अलग तरीके से सुने होंगे तुमको पता है बेटा जब हम इधर आए थे तो हमारे पास क्या था नंबर वन लाइन नंबर टू लाइन तुमको पता है बेटा जब तुम्हारे ग्रैंडफादर इस गांव में आए थे तब उनके पास क्या था अनदर लाइन मतलब ये दो तीन टाइप के लाइन होती हैं ओके okay? आपको पता है बेटा हमने सब बिजनेस स्टार्ट किया था ना तो दस हजार से स्टार्ट किया था कोई पप्पा ऐसा होगा तुमको पता है बेटा हमने बिजनेस स्टार्ट किया था ना तो पांच लाख से स्टार्ट किया था आज देख हम किधर पहुंच गए पचास करोड़ रुपए पांच सौ करोड़ रुपए ऐसे ऐसे वर्ड्स आते रहेंगे इन सभी लोगों में एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी कि जब ये अपनी ऐसी बात करते हैं ना तो आज भी जो पहला आदमी था जिन्होंने उनको प्रोडक्ट सेल किया था ना या पहला आदमी था जो उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा था ना वो बंदा मिलता है ना तो ऐसे गले लगा के अरे गुप्ता साहब आप बहुत बड़े आदमी हो गए सर आपकी कृपा है आपकी कृपा है एंड ट्रस्ट मी व्हेन दे डू दिस दे एक्चुअली मीन इट व्हेन दे डू दिस दे एक्चुअली मीन इट एंड दिस इज द रीजन वाई मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो चाहे जितना भी बड़ा हो जाए आज अभी दो जन ने रिस्पॉन्ड किया लिखा कि इट इज फॉर मेमोरी इट इज फॉर ए मॉरल सपोर्ट गाइज ये दोनों वर्ड राइट है लेकिन एक वर्ड को एड करो इट इज फॉर इंस्पिरेशन इट इज फॉर इंस्पिरेशन। मतलब दीपल मैडम अपने फैमिली को छोड़ के बहुत बार फॉरन ट्रेवल करना पड़ता है अलॉन्ग स्टूडेंट्स। दैट्स अ ग्रेट थिंग लेकिन क्या जब एक माँ अपने दो साल के बच्चे को छोड़ के ऐसे चले जाती है तो उसको दुख नहीं होता होगा लेकिन उसी माँ जब फोटो में देखती है ओ आओ मैं चिल्लू पिल्लू मेरू छोटू बच्चू मेरा बच्चा ऐसा करके दैट बिकम्स द रीजन वाई शी इज ट्रैवलिंग वाई शी इज वर्किंग हार्ड सो दैट शी कैन गिव अ गुड लाइफ टू हर किड द

आप में से यदि कोई पहले मेरा सेशन अटेंड कर चुका होगा तो मुझे पता नहीं है कि ये लाइन उसने सुनी है कि नहीं एंड नहीं सुनी है तो दोबारा सुन लो इसको सौ बार सुनने में कभी गलत नहीं है गाइस आई एम नॉट वॉट आई एम बिकॉज ऑफ वॉट आई एम आई एम आई एम बिकॉज ऑफ माई फैमिली एंड आई एम मतलब मैं जो कुछ भी हूं वो मेरे कारण नहीं हूं मैं जो कुछ भी हूं बिकॉज ऑफ मेरे फैमिली के कारण मेरा परिवार मेरे को बनाए मतलब एक सिंपल सी चीज है मैं स्क्रीन पे देख सकता हूं एक नाम करण गोयल वेरी नाइस आई सर आई एम करण ऐसा स्टेटमेंट करेगा तो मैं बोलूंगा कौन करण मेरे पास तो बहुत करण है करण 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 शाह ये अग्रवाल नहीं सर आई एम गोयल फैंटास्टिक दैट्स ग्रेट टू नो यू आर गोयल अब तुमने अपने नाम में गोयल एड करके अपनी इज्जत इमेज और अपना प्रेस्टीज बढ़ाया नंबर वन और आपको बात करने का कॉन्फिडेंस आया आप काम करते हैं टू मेक श्योर दैट गोयल नेम

क्या फैमिली बिजनेस या कोई भी बिजनेस एक लाइफ स्किल हो सकता है मेरे क्वेश्चन जान, जान सुनो question. क्या फैमिली बिजनेस हमको लाइफ स्किल मतलब बच्चा होता है पराग जिसका नाम है और वो बंदा होता है वो बोलता है कि यार ये मेरा एक फ्रेंड है बड़ा अकड़ू है सुनता ही नहीं है मेरी बात समझता ही नहीं है मेरी बात मतलब येड़ा है यार मतलब मैं बोलता हूं कि चल अभी सुबह खाने के लिए यहां पे जाते हैं ये पराठा खाने जाते हैं आज संडे है मजा आएगा अरे उसको अभी से उसल खाने का मन कर रहा है क्या ये समझता ही नहीं दैट्स फाइन पर आपका एक्सप्रेशन राइट right है लेकिन अब उल्टा सोचो वो बिजनेस में है एक अंकल है जो उसके पप्पा के टाइम से काम करते आ रहे हैं वो काम कर रहे हैं एंड उनको बोला गया है कि एक साथ चार बॉक्स को उठाना चाहिए तो चार बॉक्स को उठाएंगे और साइड में रखेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा आप हर बार दो बॉक्स उठाते हैं चार बॉक्स करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि यू माइट सेव सम मोर टाइम लेकिन अभी भी दो बॉक्स ही उठाते हैं एक टाइम पे पर पराग को लगता है यार क्या कैसा आदमी मिला है उसके पप्पा को जाकर बोलते हैं पप्पा ये इसको समझाओ नहीं है आपके टाइम का आदमी है लेकिन कितना स्लो काम करता है पप्पा ऐसे सर पे हाथ घुमाता है नो you know, पराग बेटा आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था तब से अंकल हमारे साथ है वो रहने चाहिए उनके गुडविल और उनका गुड विशेष हमारे साथ है बेटा दो बॉक्स उठा सकते क्या फर्क पड़ता है उम्र का करो तुमको यदि फास्ट मूवमेंट कराना है तो उनके साथ किसी यंगस्टर को रख लो मुझे उसके कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उनको निकलने का सोचो मत लर्न टू लिव विद द इन परफेक्शन ऑफ द अदर पर्सन एंड यूज द स्ट्रेंथ ऑफ दर पर्सन ये लाइन और ये मैसेज आपको सिर्फ और सिर्फ फैमिली बिजनेस सिखा सकता है मेरे लाइन को ध्यान से सुनो स्मार्ट लोग आप में से कोई होगा तो लिख देगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न टू लिव विथ द इम परफेक्शन ऑफ द अदर पर्सन एंड कैपिटलाइज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अदर पर्सन मैं जब तो बोलता हूं कि फैमिली बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है टू लर्न लाइफ लेसन ये गलत नहीं है क्योंकि लोगों के साथ काम करना यदि वो सिखा सकता है तो उसके साथ साथ आपको हर पहलू हर एस्पेक्ट हर लाइफ के लेवल पे सिखा सकता है

आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे ओनर्स ऑफ देयर बिजनेस आर ओनर ऑफ योर बिजनेस और तब जब भी आप प्रेसिडेंट बनोगे सेक्रेटरी बनोगे ट्रेजरर बनोगे और उनके साथ जब काम निकालना होगा कितना मुश्किल होएगा। अरे आपका एम्प्लॉय तो एक मिनट के लिए आपकी बात मान भी लेगा क्यों क्योंकि आप उसको सैलरी देते हो लेकिन ये लोग कौन है ये आपके साथ सैलरी के लिए नहीं जुड़े हैं आप और वो दोनों वॉलंट्री वर्कर्स है फिर भी उसको आपके हिसाब से काम करवाना है क्योंकि आप प्रेसिडेंट बने हैं आप सेक्रेटरी बने हैं इमेजिन द लेवल ऑफ कनेक्ट यू विल रिक्वायर विद दैट पर्सन ये क्वालिटी ये कैपेबिलिटी ये स्किल आपको आपका फैमिली बिजनेस ही सिखा सकता है और कुछ नहीं सिखा सकता और कुछ नहीं सिखा सकता एक कंसेप्ट है ध्यान से सुनोगाइज लुक एट मी जस्ट लुक एट मी एवरीबडी लुक एट मी यदि आपके फादर लोग भी साथ में यदि आपके साथ बैठे हैं आपका कोई और फैमिली मेंबर बैठा है तो उसको भी ध्यान से सुनने दीजिए बहुत इंटरेस्टिंग है बाउंडेड रेशनलिटी बाउंडेड रेशनलिटी हमें से कुछ लोग बोलते हैं हमको ये जीरो टॉलरेंस है जीरो टॉलरेंस मतलब मैं जरा भी Uh, क्या कहता हैं ये टॉलरेट नहीं लूंगा ये गलती भी टॉलरेट नहीं करोगी इतनी गलती भी टॉलरेट नहीं करूंगा प्रोडक्शन में आपको रखना पड़ेगा पर लेकिन बेस्ट बेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन में क्या बोलते हैं बाउंडेड रेशनलिटी इस प्रोडक्शन में मैंने सब कुछ मेक श्योर sure किया है लेकिन फिर देर इज अ चांस ऑफ पॉइंट जीरो वन परसेंट ऑफ एरर पॉइंट जीरो वन परसेंट ऑफ एरर तो जैसे उसमें हम रखते हैं हम ह्यूमन काम करते हैं उसमें एक बाउंडेड रैशनलिटी में रैशनल थोड़ा कर सकेगा सके बस इसके बाद इसकी इलास्टिसिटी टूट जाएगी फट जाएगी बंदा ब्रेक हो जाएगा इन अदर वर्ड्स नौकरी से रिजाइन करेगा हमारा कुछ बुरा करेगा समथिंग कैन हैपन तो वो यहां तक

चीज हमको हमारा फैमिली बिजनेस सिखा सकता है और यदि उसमें सीखेंगे यदि इस फैमिली बिजनेस में हम इस चीज को सीखेंगे ट्रस्ट मी गाइस वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है ये लाइफ स्किल हो जाएगी दुनिया में कहीं पे भी जाओगे समाज में जाओगे परिवार में जाओगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे कहीं पे भी जाओगे आपको ये चीज इतनी इजी हो जाएगी कि इमीडिएटली आप ओके हो जाओगे इमीडिएटली ओके हो जाओगे एक प्रोग्राम हम लोग एक इंडस्ट्रियल विजिट में गए थे वहां पे एक भाई साहब पहले से एक चेयर पे बैठे थे और हम लोग को सामने से आके बैठने को बोला तो हम लोग जाके बैठ गए उन्होंने एक प्रेजेंटेशन किया चेयर पे बैठे बैठे हम लोग भी वहां पे बैठे थे हम लोग भी प्रेजेंटेशन सुन रहे थे उतने में फिर एंड में आया अपना नेशनल एंथम

मैं जैसे उनको मिलने गया पता चला उनके पैर ही नहीं है उनके पैर ही नहीं है व्हील चेयर सिटी ऑन व्हील चेयर वेरी बैडली क्रिपल्ड हैंडीकैप्ड मैंने उनको गले लगा लिया मैंने उनको बोला कि सर आप इस कंडीशन में भी ऐसे काम करते हैं बोलते वर्किंग मैं यदि घर पे रहूंगा तो सड़ जाऊंगा यहाँ पे रहूंगा तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा क्या ये स्पिरिट हम में दूसरों को समझने की है आपको लग रहा है, ये काल्पनिक है। मैं पहले भी बोल चुका हूं आज दोबारा रिपीट करता हूं मेरा एक भी लेसन मेरा एक भी लेसन काल्पनिक नहीं होगा मैं पहले भी बोल चुका आज भी बोल रहा हूं मेरा एक भी लेसन काल्पनिक नहीं होगा ऑल लेसन आर रियल फैक्चुअल

क्लू भी दे देता हूं ये कल ये 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 मैंने देखा था कलकत्ता में बस इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता हूं एनीवेज लेट्स कम बैक टू द सम समथिंग एल्स सो फैक्ट ये है कि फर्स्ट लेसन मुझे लाइफ में कौन सा सिखाया वो बिजनेस ने सिखाया कि मैं लोगों भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं भिन्न भिन्न टाइप के लोग होते हैं और उनके साथ में जब जुड़ता हूं तब जाके मुझे मालूम पड़ता है कि ओके दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क दिस इज हाउ पीपल आर बिहेविंग दैट्स माय फर्स्ट लेसन दैट माय बिजनेस कैन टीच मैंने आज का टॉपिक है अपॉर्चुनिटी लर्न फ्रॉम अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम फैमिली बिजनेस एंड दैट इज दी आइडिया कि अपने बिजनेस में जुड़ जाओ गाइज उसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए एंड वो जो सीखोगे उसको सही तरीके से सिखाने का तरीका वी एट एस पी जी एन एट जी एफ एम प्रोग्राम हेल्प करते हैं चार फाउंडेशन कवर करने वाला हूं तो मेरा पहला फाउंडेशन हुआ अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ जुड़ना काम करना और उनके साथ ग्रो करने का हमारा एक अप्रोच होता है दैट इज पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आज अंशुल करके एक लड़का होता है अंशुल के पास थोड़ा पैसा है और उसके फादर उसको बोलते हैं कि बेटा तुमको जाके बैंगलोर में अपने नए बिजनेस को सेटअप करना है अंशुल बोलता है ग्रेट आइडिया डैड तो डैड हमारे इसके लिए बजट क्या है बजट हम तो कभी बजट बनाया नहीं बेटा क्योंकि आज तक हम बजट से कभी काम ही नहीं करते डैड कुछ तो प्लान होगा ना आ, नहीं बेटा जाओ अपने तरीके से रह लो अपना ही पैसा है समझ के स्पेंड करना जब इस तरह से पप्पा ने बोला ना तो अंशुल कंफ्यूज हो गया कि यार मतलब व्हाट द राइट अमाउंट टू स्पेंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं एक बार मेरे को दिल्ली जाने का हुआ मेरे को परिमल सर ने बोला कि समझ को दिल्ली जाना है एंड अपने को दिल्ली को डेवलप करना है बिकॉज नाउ वी हैव जीएफ प्रोग्राम इन दिल्ली वो आज की बात नहीं है आज से चार साल तीन साल पहले की बात है फुल अजेड जीएफ एम बी बैच रू गोइंग एंड वी है तो उसको डेवलप करने का चार साल पहले की बात है आज की बात आज तो दिल्ली में वी हैव स्टूडेंट एंड वी है बॉम्बे में चलता है वैसा सेम में चलता है, शेम फैकल्टी सेम प्रोफेसर सब कुछ सेम कंटेंट भी सेम सब कुछ सेम विजिट नहीं किया है तो मुझे पता नहीं किया है तो, located, Road, Anyways, तो मैं सर के साथ बात कर रहा था तो सर ने बोला कि आप किधर रहोगे बोला देखता हूँ सर बुकिंग डॉट कॉम पे आई फाइंड अ गुड डील ओके रीजनेबली गुड होटल में रहूंगा लेकिन आई फाइंडील अनदर प्रोफेसर उसने के परिमल सर को ऐसा बोला कि सर आपको कैसे लगेगा कि ये कौन सी होटल में रहेगा सर का नेक्स्ट आंसर था बोले तो मैंने उनको बोला ही नहीं है मैक्सिमम लिमिट और मैंने उनको बताया नहीं है मिनिमम बेस तो अब वो उतना ही पैसा खर्च करेंगे जितना उनको अपने आप खर्च करना होगा यू विल स्पेंड द मनी एज मच एज यू आर स्पेंडिंग इट फॉर योर ओन सेल्फ यू नो गाइस फॉर मी जी एफ एम बी इज समथिंग लाइक फॉर यू इन योर फैमिली बिजनेस तो मेरे यहाँ पे उतना खर्च करूंगा जितना मेरे लिए जरूरी होगा आप ऐसा ही करोगे तो कल जाके जब आपको आपकी लाइफ में कोई डिसीशन लेना होगा तो भी आप उस हिसाब से खर्च करोगे आपका फैमिली बिजनेस ने आपको फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सिखा दिया है इसलिए कल को जब अंशुल बैंगलोर गया तो इज नॉट गोइंग टू स्टे क्योंकि उसको छह दिन आठ दिन दस दिन रहने का है बिजनेस डेवलप करने के लिए गया है शायद रेगुलरली ट्रिप्स करनी पड़ेगी विल नॉट गोन इन ताज उसको महंगा पड़ेगा आज की तारीख में तो सस्ता हो गया है क्योंकि ये है हर बार ताज में जाके नहीं रहेगा तीन चार दिन होटल में रुकना पड़ेगा बाद में एक अच्छा जगह ढूंढ लेगा वहां पर महाराज ढूंढ लेगा वो खाना बना के दे देगा और फिर अपने पप्पा को बोलेगा कि पप्पा अपना सेटिंग हो गया है वहां पर एक महाराज मिल गया है रेंट भी अच्छा है हम वहां पर स्टाफ को भी रख सकते हैं जो हमारा दिल्ली से स्टाफ आएगा बैंगलोर में बिजनेस एक्सपेंशन शन के लिए सुपार। उसके पापा उसको गले लगा लेंगे मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था क्योंकि हम लोग यदि होटल में खर्च करते तो इतना होगा इसमें इतने खर्च में खत्म हो गया दैट इज द वे ही लर्न इन बिजनेस नाउ कम टू रियल लाइफ आप लोग बोलेंगे सर बिजनेस इन रियल लाइफ डिफरेंट है हंड्रेड परसेंट डिफरेंट है बच्चा बिजनेस और रियल लाइफ कैसे डिफरेंट हो जाता है वो मैं आपको कारण बताता हूं रियल लाइफ में आप समाज के साथ काम करते हो लोगों के साथ काम करते हो लोगों के विम्स एंड फैंसिस के साथ काम करते हो उस वक्त जब पैसे का निर्णय लेना आएगा सोचोगे समझोगे एंड फिर स्पेंड करोगे बट यदि बिजनेस में आपने ये लेसन लिया ही नहीं है और आपको लगता है कि मनी कम्स इन फ्री इजी एक्सेस फ्री फ्लोइंग मनी है तो शायद आप ना सोचोगे ना आप समझोगे और आप बिंदास पैसा खर्च करोगे

और मैंने खाली एक ही चीज उसको बोला मैं तो बेटा एक चीज याद रखना तेरे पास सात हजार रुपया है, है हाँ सर मैं तो, नहीं, नहीं। बाकी के 40 बच्चों का तो वो तेरा पैसा नहीं है तेरा सात हजार ही तेरा है बाकी एक लाख चालीस हजार किसी और का है याद रखना हाँ सर पॉइंट वैलिड है हाँ सर पॉइंट वैलिड है और मैंने फिर एक और झटका दिया उसको तो ये चीज भी याद रखना कि ये एक चालीस खो जाता है तो तेरे को उनके लिए भरना पड़ेगा तो मेक श्योर यू सेव एंड स्पेंड एवरी रुपी ये, ये ही बच्चा गेट्स द दी बेस्ट डील फ्रॉम ए वेरी गुड फोर स्टार होटल बेस्ट डील फ्रॉम द बेस्ट बस ऑपरेटर एंड फिर थोड़ा पैसा बचता है तो बोलता है सर हम इससे हम पार्टी करेंगे हम लोग सर एंजॉय करेंगे तो दैट्स योर डिसीजन दैट्स योर डिसीजन इंपॉर्टेंट ये है गाइज कि आपने फाइनेंशियल प्रूडेंस सीखा अपने फाइनेंशियल प्रूडेंस सीखा और वो जो पैसा बचा अब बांटो जैसे बांटना है बांटो हमारे एक बच्चे थे जिस बैच ने ऐसा पैसा बचाया एंड दे डोनेटेड टू अल्ड एज होम हियर इन बोरीवली बोरीवली में ओल्ड एज होम है वहां पर डोनेट किया एक बच्चे ने उसके uh, पैसे से ब्लड डोनेशन कैंप किया योर चॉइस काइ बिकॉज यू सेव दैट मनी यू हैव राइट टू स्पेंड द वे यू वॉन्टेड टू स्पेंड इट कुनी थिंग एनीथिंग

गुड करेक्ट हमारे बच्चे बोलते हैं कि सर पर हम तो बस सिर्फ एक ही बार लेके जाएंगे और वापस आ जाएंगे दो दिन में खत्म हो जाएगा लेकिन एक जो टैक्स जो बढ़ते हैं वो सात दिन के लिए वैलिड होता है तो बाकी के पांच दिन का जो हमने टैक्स का कंपोनेंट भरा है वो वो बस कंपनी हमको रिटर्न करनी चाहिए क्योंकि जब वो किशोर के लिए यूज करेगी तो काम ऑल्सो तो इट देम तो वेरी नाइस बस कंपनी बोला मैं रिटर्न नहीं करूंगा बस कंपनी के साथ हमारे बच्चे ऐसे नेगोशिएट करते हैं आपकी बस कितनी बार जा चुकी है बोले ये वीक में तीन बार जा चुकी है ठीक है तो हम आपकी बस ले लेंगे क्यों क्योंकि आपने टैक्स तो पे किया होगा हमको मार्जिनल दो दिन का ही आपको टैक्स आप बोलोगे सर ये दो पांच हजार को समझ के क्या करना बेटा दो पांच हजार की बात नहीं है इट्स अबाउट लर्निंग बिजनेस इट्स अबाउट लर्निंग बिजनेस कल को यदि आपका कोई अच्छा क्लाइंट आता है और उसके लिए आप चार हजार रुपए चार हजार रुपया आप डिनर में उड़ा देंगे दस हजार रुपया आपको डिनर में उड़ा देंगे तो मैं माइंड नहीं करूंगा तुम्हारा पापा भी माइंड नहीं करेगा क्यों गुड कस्टमर उतना तो स्पेंड करना बनता है उसके लिए डेडिकेटेड तुमने गाड़ी रख ली मेक सेंस नथिंग रॉन्ग इन इट ड्राइवर रखो गाड़ी रखो तुम उसके साथ बैठो पूरा दिन स्पेंड करो ताकि वो बंदा आपके साथ जुड़ा रहे रहेट इज ए राइट एक्सपेंस वहां पे तुमने दो चार हजार ज्यादा खर्च कर दिया तो कोई तुमको अरेस्ट नहीं करेगा पॉइंट ये है कि प्रूडेंस प्रूडेंस का मतलब ये है कि आप जब स्पेंड करते हो तो केयरफुली सोच के स्पेंड करते हो एंड दैट हैपेंस व्हेन यू आर इन योर बिजनेस बिजनेस जब आपके में इन्वॉल्व नहीं होते हो तो आपको आपका स्पेंडिंग का पैरामीटर समझ में ही नहीं आता है आपको लगता है खर्च करना है तो खर्च कर देते हैं उसमें क्या फर्क पड़ता है नहीं फर्क पड़ता है बिग टाइम डिफरेंस आता है एनीवेज सो दैट्स माय सेकंड फाउंडेशन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज के हम लोग को समझना यह जरूरी है कि जब अपन फाइनेंस की बात करते हैं तो हमारे बिजनेस से एक लाइफ लेसन इस तरह से सीख के जाते हैं राइट दैट इज माई सेकंड फाउंडेशन आई ओनली फोर फाउंडेशन आगे अपने लोगों को कवर किया सेकंड मैंने पैसे को कवर किया अब आता है तीसरा फाउंडेशन दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम फैमिली बिजनेस एंड दैट इज कि क्या हम अपने चीज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं पराग के पास एक नहीं पराग का नाम आ गया अंशुल का नाम आ गया करण का नाम आ गया किसको को पहुंचाना चाहता है लोगों तक शेयर करना चाहता है लेकिन बेचारा कर नहीं पा रहा है क्यों क्योंकि कभी शायद हमने टेस्टिंग नहीं किया है टेस्टिंग अब ऋषभ बोलेगा मतलब यहाँ पे क्या है गुड चल अंडरस्टैंड फैमिली बिजनेस में गाइस आप लोग को टेस्टिंग का चांस मिलता है आई रिपीट नॉट टेस्टिंग खाने को चखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं टेस्टिंग की बात कर रहा हूं आपकी स्किल की प्रशिक्षण टेस्टिंग करने का चांस मिलता है कैसे अभी आपने एक प्रोजेक्ट उठा लिया आपने एक छोटा सा काम उठा लिया अभी मैं दीपल मैडम के साथ बात कर रहा था हमारा एक बच्चा है एंड बीस इज बेस्ड इन सांगली ओके एंड वो एक नए बिजनेस में जाने का सोच रहा है वेरी गुड ब्रिलियंट आइडिया मेरे साथ उसने पैकेजिंग का इन्फॉर्मेशन शेयर किया बड़ी अच्छी बात है पैकेजिंग का इन्फॉर्मेशन शेयर करके फिर मेरे को बोलते हैं कि सर ये पैकेजिंग राइट है कि रॉन्ग है मैंने उसको बोला तू बेचना किसको चाहता है बोले सर इसको मैंने बोला इसमें तीन लैंग्वेज में और लिखना जरूरी है और इसमें ये ये चीजें चेंज करना जरूरी है के उसका कॉल आता है बोलते सर आपने कैसे पकड़ा मेरे पापा भी सेम चीज बोले मतलब तो बेटा पहला लेसन आ जाता है तू क्या किसके लिए क्यों कर रहा है आई रिपीट तू क्या किसके लिए क्यों कर रहा है तू क्या किसके लिए क्यों कर रहा है वॉट यू आर डूइंग फॉर होम यू आर डूइंग एंड वाई यू आर डूइंग फॉर होम यू आर डूइंग वाई यू आर डूइंग एंड वॉट यू आर डूइंग सिंपल है Understanding target customer. Understanding target customer. मैं जब मार्केटिंग का क्लास लेता हूं तो जैसे कोई भी ऑफिस दुकान वगैरह होती है फैक्ट्री होती है उसमें क्या चाहते देव पूजा करते हैं लोग तो वहां पे मैं चेंज कर देता हूं मैं देव पूजा नहीं करवाता हूं स्टार्टिंग तो पहला दो वर्ड होना चाहिए कौन सा टारगेट कस्टमर मैं जो चीज दे रहा हूं वो मैं जानता हूं कि किसके लिए है और क्या मैं उसको ही दे रहा हूं किसी और को दे रहा हूं बस सिंपल एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट एक तो यदि मेरे को मालूम है मैं कि जिसके लिए दे रहा हूं और वो सी को दे रहा हूं तो राइट है आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज व्हील चेयर व्हील चेयर एक प्रोडक्ट है और फिर मैं उसको बेचने का सोचता हूं कहां पे बेचू कैसे बेचू और बंदा बोलता है इंस्टाग्राम पे बेचो अरे व्हीलचेयर चेयर इंस्टाग्राम पे बेचो बराबर है यंगर लोग हैं तो हो सकता है अपने ग्रैंडफादर या किसी और के लिए हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी है पर ज्यादा पॉसिबिलिटी डिसीजन मेकर की कहां पे हो सकती है मे बी फेसबुक पे आजकल फेसबुक पे एवरेज एज इज थर्टी ओके सो ट्वेंटी से थर्टी 35 का जो एज ग्रुप है वहां पे रहेगा हो सकता है उनके कोई एल्डरली लोगों को होएगा अरे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्थोपेडिक तो हॉस्पिटल में आपका एक स्टॉल होना चाहिए एक बैनर होना चाहिए एक होर्डिंग होना चाहिए करेक्ट राइट आइडिया एक right एक्सीडेंट जोन में आपका बैनर होना चाहिए होर्डिंग होना चाहिए ऐसा कुछ होना चाहिए सर राइट आइडिया नाव यू नो हु टारगेट कस्टमर जो आपका टारगेट कस्टमर है उसके सामने होगा तो ऋषभ ने एक नई चीज को ट्राई करने का पहला लेसन उसके ने दिया टेस्टिंग टेस्टिंग कर कर ले तो टारगेट कस्टमर के साथ उसने लिया उसके चार डीलर हैं जो उनके बहुत करीब हैं उन चारों डीलर के पास जाके बोलता है सर ये हमारा प्रोडक्ट है, है, है।, है अरे ऋषभ बेटा पप्पा कैसे हैं जैक साहब कैसे हैं कुछ ऐसा बोले हुए अच्छा है अच्छा है नहीं ये प्रोडक्ट तेरा चलेगा कोई टेंशन नहीं तू रख दे मार्केट में मैं बैठा हु एटलीस्ट तो बैंगलोर मार्केट को टेंशन मत कर दूसरा बोला हैदराबार्ड मार्केट में तो टेंशन मत तीसरा बोला मार्केट में टेंशन मत कर चौथा बोला तुल्याना मार्केट में टेंशन मत कर ब्रिलियंट चार से चार जन रिस्पॉन्स दूसरे दो जन के पास गया उन्होंने बोला अरे बेटा अपन ये माल ना कलकत्ता में नहीं बिक सकता है क्यों अंकल देख सच बताऊ तो कलकत्ता में ये कार ना लोगों को टेस्टी नहीं है चॉइस ही नहीं है प्रेफरेंस नहीं है परफेक्ट तीसरा limitless opportunity. Limitless opportunity फाउंडेशन आ गया था कि आपको मालूम है कि मैं क्या बेच रहा हूं किसको बेच रहा हूं कब बेच रहा हूं अब आते हैं रियल वर्ल्ड में आप कभी ना कभी आगे बढ़ेंगे लाइफ में शादी करेंगे हंड्रेड परसेंट उसके बाद देखना क्या मजा आएगा दीपल मैडम अभी स्क्रीन के बैठी है लेकिन अकेले बैठे हंस रही है क्योंकि इतना मजा आएगा मैं उस एंगल से मजा नहीं कह रहा हूं मैं उस एंगल से कह रहा हूं कि हर सेकंड हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मार्केटिंग करते हैं मजा आता है दीपल मैडम बोलती हैं कि अब अपने बच्चे को ना स्कूल में भेजने का है बोलेगा ए स्कूल वाइफ बोलेगी बी स्कूल चालो यदि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो दादा दादी भी कि घर के करीब होना चाहिए मम्मी बोलेगी कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए पप्पा बोलेगा इंग्लिश मीडियम लेकिन थोड़ा लो बजट में होना चाहिए कोई ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा हर व्यक्ति अपने लॉजिक से राइट होगा नो बडी इज रॉन्ग और उन सभी आपको कन्विंस करके अपने आप का वहां पे एंट्री लेना है तो अब बा के साथ ग्रैंड मदर के साथ बात करोगे तो कैसे बात करोगे ग्रैंडफादर के साथ बात करोगे तो कैसे बात करोगे मदर के साथ बात करोगे तो कैसे बात करेंगे फादर के साथ बात करोगे तो कैसे बात करोगे दिस इज वॉट यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग अ वेरी सिंपल कंसेप्ट कॉल टारगेट कस्टमर टारगेट कस्टमर सामने वाले व्यक्ति को कौन सी चीज कैसे अपील करेगी कौन सिखा सकता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा धंधा सिखा सकता है मेरा एक बच्चा है जो दिल्ली में है एंड उसने उसका एक ही मार्केट है एंड दैट इज इन चेन्नई मार्केट मैं उसको बोला तू पागल तू दिल्ली वाला चेन्नई कैसे बेचने जाता है बोले सर मेरे ग्रैंडफादर ने वो मार्केट डेवलप किया था फादर ने कंटिन्यू किया अब मैं उसमें और डीप जा रहा हूँ नए नए प्रोडक्ट्स डाल रहा हूँ बट यू आर इन दिल्ली तेरे को तमिल आती है आती है सर एंड बहुत अच्छे से आती है क्या बात करता है बोलते हैं हाँ सर हम लोग तो हंसते हंसते सब बोलते थे कि हाउस ओके बोला अभी तक बोला कि नहीं एक छोटा सा गेस्ट हाउस जैसा रखा है जहाँ पे हम लोग ही जाके रहते हैं वहां पे एक महाराज रखा है एंड ऐसा काम होता रहता है तो दिल्ली में क्यों रहता है सर दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग हमारा है सस्ता पड़ता है हम लोग ने ऐसे ऐसे एक प्लान बना के रखा है इन दिल्ली बैच इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है गाइस की उसको अपना मार्केट कैसे मालूम है मैंने बोला इसके बाद को और मार्केट सोचा है बोले सोचा है सर चेन्नई के आजू बाजू का मार्केट सोचा है क्यों? सर वहां पे हमारा प्रोडक्ट टेस्टेड है टेस्टेड है अप्रूव है लोगों को मालूम है उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को वहां पर देखा है स्टोरी ओवर स्टोरी ओवर लर्न फ्रॉम योर फैमिली बिजनेस उससे बेटर और बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में कोई नहीं देने वाला उससे बेटर और बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में कोई नहीं देने वाला यदि तुम्हारा खुद का धंधा है मतलब फैमिली बिजनेस है तो उसमें बिना संकोच के बिना एक बीस सेकंड और मिनट वेट करे बिना घुस जाओ घुस जाओ एंड घुस जाओ नॉट ऑन द पेरीफेरी बाहर रह के नहीं वो घुसता घुसता नहीं होएगा तड़का चीज हो जाएगी उसमें अंदर जाओ गेट योर हैंड्स डर्टी गेट योरसेल्फ डर्टी इनटू इट पापा बोले नहीं पप्पा मेरे को देखना है कि कौन सा ग्रीस लगता है मशीन में कौन सा ऑयल लगता है मशीन में हाथ डालो मशीन में देखा कि ये ग्रीस लगता है ओके मेंटेनेंस वाला आदमी आके खड़ा रहता है खड़े रहो वो बोलते हैं कि आज रात को हमको रुकना पड़ेगा क्योंकि हमको मालूम नहीं ऐसा ऐसा हो रहा है आज रात उसके साथ रुक जाओ परसों एक भाई साहब को मिला था इज ऑफ द एज ऑफ फिफ्टी सिक्स उसके भांजे की कंपनी है अंडरस्टैंड द वर्ड हाँ भांजे की कंपनी तो मामा हो गए मेरे उनके प्लांट पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था 56 इयर ओल्ड मामा ने भांजे को बोला बेटा तो टेंशन मत कर मैं जाके रहूंगा चला लोचा कैसे होता है हमारे यहाँ लोचा कैसे हो सकता है यू नो गाइस उसने एक महीने तक नाइट शिफ्ट किया शिफ्ट हो गए वहां पे एंड दिन में सो जाते थे क्योंकि ट्रैवल करना अवॉइड करना था रात को 7 बजे काम पे लगते थे सुबह 8:30 बजे तक काम करते थे एट द एज ऑफ 56

सकता है कि कैसे अपने विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए चैतन्य जाता है एक प्रोडक्ट लेके कस्टमर के पास जाता है कस्टमर बोलता है कि नहीं आपका प्रोडक्ट हमको नहीं चाहिए करेक्ट है क्यों क्योंकि ऑलरेडी किशोर से खरीद रहा है ऑब्वियसली तू कोई पहला थोड़ी

मेक श्योर दैट पीपल रिप्लेस दर आचार मतलब तो होपलेस थॉट मत क्यों सर आई डोंट वॉन्ट पीपल टू रिप्लेस दी आचार आई पीपल टू एड वन मोर आचार उसके पास चार है तेरा पांचवा सर तेरी फ्लेवर नहीं है तेरा यह आई थॉट नया है तो एक और होना चाहिए

कल को कुछ वहां पे हो जाता है तो एटलीस्ट मैं आपको प्लान बी में तो काम आ जाऊंगा एक बार मेरे को कंसिडर तो कर सकते हैं सर ठीक है तू बोल रहा है तो मैं सोच सकता हूं कृपा सर कृपा थैंक यू वेरी मच मैं बोल रहा हूं उतना आसान नहीं होएगा मैं बोल रहा हूं उतना आसान नहीं होएगा लेकिन हम एफर्ट जरूर कर सकते हैं और ये एफर्ट करने का हमको सिर्फ हमारा बिजनेस सिखा सकता है और कुछ नहीं सिखा सकता और और कोई तरीका भी नहीं है सीखने का हमारा सिर्फ बिजनेस हमारा ये सिखा सकता है राइट एंड दैट गेट्स मी टू दास्ट एंड फोर्थ फाउंडेशन एंड दैट इज हमारा ही बिजनेस गाइस हमको काम करने की शैली प्रणाली का प्रोसेस सिखा सकता है व्हाट कम्स फर्स्ट एंड वट कम्स सेकेंड लॉजिक क्या है कोई चीज का ये हमको हमारा बिजनेस सिखा सकता है हमको नया घर बनाने का तो दिवाले बन गए ये बन गया पर अभी दरवाजा फिट होना जरूरी है क्योंकि दरवाजा फिट हो जाएगा उसके बाद लॉक लग जाएगा घर के अंदर में क्या कहते हैं जो महंगी महंगी स्विचेस हैं नल है फॉसेट है शावर है पंखे हैं ये सब फिट करूंगा क्यों क्योंकि यदि मैंने ऐसा नहीं किया और खुला रख के सब फिट किया चोरी हो जाने का चांसेस है विच प्रोसेस फॉलोज विच प्रोसेस हु विल टेल यू छोटे से छोटा होगा वो भी सिखाएगा किराना की दुकान है, आप किस वाला भी बच्चा होता है। से सुनो बाद में पकड़ लेना बेटा की कि कितना छोटा होता है किराने की दुकान है किराने की दुकान में कहा कौन सा माल रखना चाहिए मैंने उनको एक बार हस्ते हस्ते जाके बोला तो सर ये छोटी छोटी जो प्रोडक्ट है उसको एकदम आगे क्यों रखते हो बोले समीश भाई छोटे छोटे प्रोडक्ट आगे इसलिए रखते हैं क्योंकि लोगों को ना हम ज्यादा प्रोडक्ट दिखा सकते हैं यदि मैंने एक किलो की थैली रख दी तो वो दिखेगी नहीं करेक्ट सर लेकिन यदि मैंने ये देखो छोटा साबुन छोटा ये तो वो बोलेगा इसका बड़ा साबुन है हाँ जी सर अब वो का बड़ा दे दे इसको बोलते हैं समीश भाई मेरे पास वर्ल्ड में अवेलेबल ऑल कंज्यूमेबल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मैं रखता हूं हम इस शहर में एकमात्र लोग हैं जिसके पास इतनी बड़ी रेंज है तो आप नाचोस मांगो डोरिटोस मांगो ये मांगो वो मांगो आप मांगो प्रोडक्ट और मैं आपको दे सकता हूं व्हाट आर यू एब्सोल्युटली सर एब्सोल्युटली आप मेरे को बोलोगे कि मेरे को बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम चाहिए मिलेगा और आप बोलोगे मेरे को यहाँ का लोकल आइसक्रीम चाहिए वो भी मिलेगा इसलिए मैं हस्ते हस्ते मतलब तो नहीं मिलेगा अब सर इतना महंगा और इतना ऐसा नाम बोलना लोगों को तो आना भी तो चाहिए <laughs> करेक्ट है, बोलता है तो तो फिर ये कुछ चीजें ना मिले पर बाकी बहुत सारी चीजें मैं रखता हूँ ब्रिलियंट तो स्टोर सेम स्टोरी मैंने सांगली में देखा हमारे एक बच्चे का सेम स्टोरी एक बच्चे को लाटूर में देखा समझो जो बंदे ने अपने प्रोसेस को समझ लिया कि कब कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए जिसने प्रोसेस को समझ लिया उसको मालूम पड़ गया कि हाउ लॉजिक वर्क्स इन बिजनेस एंड इन रियल लाइफ इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप कभी रियल लाइफ में जाते हैं जब कभी सोशल लाइफ में जाते हैं तो आपको मालूम है कि पहले क्या होना चाहिए गेस्ट आता है हम नेचुरल इंडियन कल्चर में हम पहले पानी देते हैं नेचुरल है लेकिन कहीं जगह पे पानी नहीं देते हैं तो वहां का कल्चर सीखने के लिए उसका लॉजिक समझना जरूरी है और वो लॉजिक समझ जाएंगे उसके बाद इजी हो जाएगा लॉजिक कौन सिखाएगा दैट इज ओनली ओनली एंड पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए फैमिली बिजनेस फैमिली बिजनेस के कारण पॉसिबल है मैं आपको एक और मस्त चीज दिखाता हूं नहीं सॉरी एक्सप्लेन करता हूँ मेरा एक बच्चा है उसकी इलेक्ट्रिकल की दुकान है सिंपल इलेक्ट्रिकल के सामान ट्यूबलाइट पंखा डिकना पलाना डिक्का एक्सेट्रा

कल के कल तू है फ्लो चार्ट बना फ्लो चार्ट में हर स्टेज पे सर्कल करके विच इज क्रिटिकल स्टेज विच इज क्रिटिकल स्टेज विच इज क्रिटिकल स्टेज करेक्ट यदि वो क्रिटिकल स्टेज वहां पे है और वो क्रिटिकल स्टेज पे तू कुछ कर सकता है तो इट इज गोइंग टू बी ए ब्रिलियंट थिंग एंड उस क्रिटिकल स्टेज पे कितना पैसा लगता है क्यों लगता है कैसे लगता है ये भी तो आइडेंटिफाई एंड जैसे उसने मेरे को बोला मेरे को बोलता है कि सर ये ये मैंने कभी सोचा नहीं था करेक्ट तूने सोचा नहीं था वो प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम ये है कि तू तो एक काम कर इस तरह को समझ एंड आई एम गोइंग टू शो यू वन पॉसिबली थिंग आल्सो एंड इफ मैं वो आपको दिखाने में uh, कामयाब रहा तो इट विल बी अ गुड थिंग लेट मी शो दैट टू यू दीपल मैडम आर यू देर यस सर दीपल मैडम आई एम कैन आई ए स्क्रीन शेयरिंग ये यू कैन ओके फॉर ऑल दी दंडरफुल बच्चा लुक एट दिस स्क्रीन एक कंपनी का मैंने प्रोसेस फ्लोचार्ट बनाया हुआ है तो कितना डिटेल में कैसे हुआ कब हुआ कौन सा हुआ कौन सा डिसीजन मेकिंग पॉइंट है etc., etc., etc. ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इतना डिटेल में फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ये जो नाम लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म्स में वो लोगों के ऑपरेटर के नाम वगैरह है जिसको अपने को समझना जरूरी है लेकिन वो तो उसके लिए है तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट रिवील दो बट इमेजिन द डिटेल एट विच इट इज गॉन एंड दैट इज अ फ्लो सेल्स का चार्ट फिर ऐसा आग, आग, क्या कहते हैं परचेज का फोन कैसे आंसर करने का डिस्पैच कैसे होएगा माल कैसे वापिस आएगा किस तरह से रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स होएगा एक्सेट्रा 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 सोचो गाइस इतनी डिटेलिंग जब अपन कर सकते हैं अपने बिजनेस में तो जब रियल लाइफ में आएंगे हमारे पास कितना सिंपल लॉजिकल फ्लो हमको सीखने को मिलेगा कि पहले बंदा ये करेगा बाद में ये करेगा बाद में ये करेगा दिस इज द मेरिट्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम योर बिजनेस गाइड जितना करीब हम अपने बिजनेस के रहेंगे उतना ज्यादा टाइम दे पाएंगे जितना करीब हम हमारे बिजनेस के अंदर रहेंगे उतना ज्यादा टाइम दे पाएंगे जो हमारे दिल्ली के करीब के बच्चे हैं जितने नॉर्थ के बच्चे हैं वो लोग वी आई डोंट नो नॉट बट जी एफ एम ए प्रोग्राम इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन डेली ऑल्सो एंड आपको बॉम्बे तक शायद आने की जरूरत ना पड़े क्यों, क्यों? क्योंकि आप आपके बिजनेस में ज्यादा टाइम दे सकते हैं उसके कारण एंड ऑब्वियसली बॉम्बे के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपका मेल मुलाकात करने का बहुत एफर्ट्स करती है दीपल मैडम सबीना मैडम अलमास मैडम तेजल मैडम ये लोग ऑटोमेटिक प्लान बनाते हैं जिसके कारण आप लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो ऑब्वियसली

एम्पैशन डेवलप कर सकते हैं यदि हमारे में वो अंदर आता है दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग सो दैट्स माय पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू बिजनेस हमको लोगों के साथ काम करना सिखा सकता है द इंपरफेक्शन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल शुड बी कैपिटलाइज्ड ऑन सेकंड आता है फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्रूडेंस पैसा उतना खर्च करो जितना मेरे को योग्य लगता है बिना योग्य मैं पैसा खर्च करूंगा ही नहीं बेवकूफ हूं क्या अपना खुद का पैसा है ये एटीट्यूड रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दूंगा नथिंग रॉन्ग इन इट थर्ड पॉइंट अरे एक स्ट्राइक हो गया मेरे को हम लोग जब एक जा रहे थे तो सब लोगों को बोला था कि आपको टिकट बुक कराना चाहिए इस फ्लाइट में टिकट बुक कराना चाहिए पहले हम लोग क्या सिस्टम करते थे अपने आप सबका पैसे इकट्ठा करो फिर बुक कराओ फिर हम लोग ने सबको फ्री हैंड दे दिया बुक कराने का उसका लॉजिक भी था

coming there with as low as spending only two thousand rupees also जबकि there were people who had to spend four thousand also that's fine everybody spent in their own periphery time budget अपने हिसाब से खर्च करना शुरू किये मेरे हिसाब से that's called smart intelligent financial prudence possible anyways so that was my third uh, second point third point is कि मैं किसके लिए क्यों कब क्या बेच रहा हूँ मैं किसके लिए क्यों कब क्या बेच रहा हूँ target customer okay And the fourth and the final thing, that if I can understand the processes of business, then I can develop logical abilities. I can develop my logical ability, then I can apply to in business, and I can apply kar in With those words, guys, I wish you all a very, very best of luck for the coming week and for the coming times in life. We are all open to receive you at the GFME program in case you decide to join us. You are free to join our Delhi batch You or free to join our Mumbai batch nothing changes okay you'll see me the way i am right now there and you'll see all the all the other faculty also same to same xeroscopy at there also all right so wish to have a great great week ahead a very very successful week ahead god bless you thank you for being there a happy friendship day for all the ones okay and uh, because I think this is the first Sunday of August, just my friendship day hota hai. So I wish you all the best. In case anybody has any question, please put forth in the chat box. I will now take the questions and um, possibly then you can obviously uh, talk to Deepal Madam also, who's there. And that is how it's going to be there. Uh, okay. I have got one question and uh, 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 that's from Parag and it says, Sir, one question that's stressing me these days. Why don't

ड तो पॉसिबली थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है

कि उनमें से कुछ लोग अपना इमोशन को छोड़ के दे विल स्टार्ट टिपिंग डाउन देन आप नए कुछ लोगों को हायर करोगे एंड फिर वो नए लोगों को हायर करोगे दैट विल टेक द कर्व वन अपली क्या होगा कि से फॉर एग्जाम्पल तूने एक आदमी पांच आदमी को हायर किया पांच आदमी को हायर किया लेकिन उसमें से कुछ लोग रहे रहे नहीं रहे कुछ लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्ट किए नहीं किए एक्सेट्रा 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 गिर गिर के तुम्हारे पास हो जाएंगे फिर वन सेकेंड उसमें से तीन जन छोड़ के चले गए तो माइनस थ्री हो जाएगा सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली टू गुड पीपल टू गुड पीपल दैट इज ओके डोंट वरी अबाउट इट ये इमोशनली नेगेटिव हो गए हैं या काम करने के तरीके से नेगेटिव डोंट वरी अबाउट इट ये होएंगे काम अभी भी कर रहे हैं लेकिन क्या है सुबह आए पंच किया निकल गए तूने बोला ना वो एम्प्लॉय वाला ये दो जनों ने थोड़ा एक्स्ट्रोर्डिनरी कैपेबिलिटी दिखाया थोड़ा एक्स्ट्रो क्या कहते हैं ग्राफ दिखाया थोड़ा एक्स्ट्रोर्डिनरी कमिटमेंट दिखाया तो फिर क्या करते हो तुम एक काम करते हो अपने पप्पा के साथ डिस्कस करते हो बोलते हैं अपन दो और लोगों को हायर करते हैं तो तुमने दो और लोगों को हायर किया ओके okay? अभी दो और लोगों को हायर किया तो नाउ यू हैव टोटली हाउ मेनी एम्प्लॉज इट वाज फाइव नाउ यू हैव सेवन एम्प्लॉज ओके सेवन एम्प्लॉज एंड थ्री माइनस तेरे चल रहे हैं इमोशनली माइनस चल रहा है एक्सेट्रा फिर क्या करेंगे ये सात में से वन on सेकेंड तेरे पास एक या दो लोग इस माइनस में जुड़ जाएंगे तो तेरा हो सकता है जो ये माइनस का है वो माइनस फोर हो जाएगा माइनस सॉरी एक जोड़ और जुड़ गया माइनस फोर हो जाएगा बट नाउ यू आर इफेक्टिवली गुड पीपल एस थ्री पहले तेरे इफेक्टिव गुड पीपल कितने थे दो अभी इफेक्टिव गुड पीपल कितने हो गए थ्री यही प्रोसेस से ऐसे ऐसे करते करते तेरे लोग जुड़ते जाएंगे एंड एट वन स्टेज यू विल बी हैविंग ए गुड नंबर ऑफ हाईली कमिटेड पीपल इन द अपर ब्रैकेट उनके साथ काम करना शुरू करो

इन uh, केस आप डे वन पे बंदे को हायर करते हो तो ऐसा नहीं होगा थोड़े एग्जांपल्स देना चाहूंगा तेरी क्लैरिटी के लिए हमारे डीन सर जब किसी व्यक्ति को हायर करते थे ना तो उनके दिमाग में पता है कैपेबिलिटी वर्ड नहीं था हम लोग ऐसा हंसते हंसते बोलते सर ये होशियार नहीं है तो बोलते मेरे को चाहिए भी नहीं हाँ सर ये होशियार नहीं है हाँ पर मेरे को चाहिए भी नहीं होशियार आदमी तो ऐसा आदमी लाओ जिसका कमिटमेंट अच्छा हो तो वो हमेशा हर आदमी को कमिटमेंट के तार पे तोलते थे उनको होशियारी के तार पे नहीं तोलते थे तो फिर बोलते थे क्यों बोले कमिटेड आदमी होगा ना तो होशियारी डेवलप भी कर लेंगे सिखा लेंगे तैयार कर लेंगे लेकिन बहुत होशियार आदमी आएगा ना तो कमिटमेंट डेवलप करना मुश्किल है क्योंकि वो इमोशनल आस्पेक्ट है तो अब पर्सन का कमिटमेंट से मैं कैपेबिलिटी बना सकता हूँ कैपेबिलिटी से मैं कमिटमेंट बनाऊ थोड़ा मुश्किल वाला कैटेगरी है So it will be a challenge. So that is how we used to understand. But you will be surprised, Parag. Um, it was I had joined about uh, it was about five months and twenty eight days. SI five months, twenty eight days, very precisely. And I went to Dean sir and I said, "Sir, I would like to go to Harvard." And he said, uh, "Why, Samish? I, I have a course and I would like to learn at that place. And that would be a good lot amount of money that I would be required to spend." And he said, uh, "Okay."

फिर भी उनको मालूम था ये रहेगा हमारे साथ इसको डेवलप करना चाहिए होंगे जो सिर्फ आपको शिफ्ट होएगी जो आपका प्लांट होगा वैसे ही काम करेंगे वो कभी भी ओनरशिप नहीं लेंगे लेकिन देर विल be सम पीपल जो बोलेंगे मंगला सर पैकिंग मैंने किया है जवाबदारी मेरी है अंदर का पार्ट टूटा मैं ओनरशिप लूंगा बहुत डिफिकल्ट है ये स्टेटमेंट करने के लिए लेकिन ऐसे तुमको एक या दो या तीन लोग मिलेंगे हमारा एक बच्चा है जिसका बिजनेस है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मशीन को पैकिंग करना उसका बिजनेस पैकेजिंग का है लेकिन ओनली बड़े कॉम्प्लेक्स मशीन को पैक करना ये इसने पैकिंग किया माल गया माल गया शिप पे कोई करंट से मिस हैंडलिंग हुआ द्राक्ष गिरा पैकिंग पूरा टूट गया उस कंपनी ने इसको फोन किया रात को साढ़े बारह बजे सब थोड़ी बवाल हो गई ओ, जो ओनर है उसने भी फोन किया कि अरे तूने कैसे पैक किया था ऐसा करके डाटा डाटी हो गई गुस्सा गुस्सी हो गई ये थोड़ा डर गया बोलते कि सर पॉसिबल ही नहीं है फॉर ऑल दी वंडरफुल लिसनर्स गाइस साइट इंस्पेक्शन हुआ पैकिंग टूटा था मशीन पे जीरो डैमेज मशीन पे जीरो डैमेज वो ओनर ने उसको गले लगा लिया बेटा मान गया बोले सर अभी अपना नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ पराग, ये ओनर है या एम्प्लॉय है ओनर है या एम्प्लॉय है पराग जल्दी आंसर कर ये ओनर है या एम्प्लॉय करेक्ट करेक्ट नहीं ऐसे लोगों को ढूंढना सीखना होगा वो अलग बात है ये हम कैसे लोगों में डेवलप करें वो भी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज में मैं तेरी मदद करूंगा पराग डोंट डोंट वरी वरी अबाउट इट बेटा आई एम यू ऑन दैट एट ऑल ओके पर एम्प्लॉय इस तरह से ओनर बन सकते हैं अब मैं एग्जाम कंटिन्यू करता हूं तूने ओनर को जवाब दे दिया अब सवाल आता है इस बंदे के पास आज की तारीख में एक सौ आठ एम्प्लॉय है ऐसा करने वाले कितने एम्प्लॉयज हो उसका प्लांट हेड उसका प्लांट हेड है ये और वो बोलता है कि सर मैं क्यों? क्यों क्योंकि उसके चार पांच प्लांट हैं तो ये बंदा दो प्लांट को ओवरसी करता है और उसका ये जवाबदार आदमी है ये मेरे को हंस-हंसते बोलते भी हैं ये जो महाराष्ट्रीयन गाय मेरे को हंस-हंसते बोलते भी है ऐ समेश भाई ये बंदा जब पैकिंग करता है ना तो साला मेरे को भी देखना नहीं पड़ता है ये बंदा जब पैकिंग करता है तो साला मेरे को भी देखना नहीं पड़ता है लुक एट पहुंच गया है हो सकता है मुश्किल जरूर है हो सकता है मैं तारीफ खाली खाली नहीं करूंगा लेकिन जेनुइन बताता हूं अभी मेरे साथ अक्षय करके लड़का बैठा है दीपल करके एक मैडम बैठी है उन दोनों फैमिली वाले लोग हैं एंड आज संडे को बैठे हैं दीपक के फैमिली तो मैं जानता हूं कि आज उसके घर पे गेस्ट आए हैं रिलेटिव्स आए हैं एंड उसने अपना फोन भी ऑन रखा है वहां रिलेटिव्स को खाना खिलाया नाश्ता कराया सब किया वन सेकेंड शी इज हियर एंड शी इज इंटरेक्टिंग विथ मी अक्षय का सेम स्टोरी है सेम स्टोरी है दीज पीपल ओन अप ए कॉज ए प्रोजेक्ट एन ओकेजन so that's how we over a period of time tend to have such highly committed people all right pranak thank you thank you very much for the wonderful question if anybody else has any other question please put forth if not then we can call it a day off all right have a great day time and have a great great future guys god bless you people madam uh, akshay it sir. was nice having you guys there i'm sure up look uh, sunday thoda. Uh, invest, ho chuka ho. I hope it doesn't mind that. And have a great time, guys! Uh, a wonderful future ahead. Thank you, and so thank everyone, you guys, right? So. Everyone, have a great day ahead. Goodbye. Yeah. Thank you, thank you very much.